अब जिस टाइप ऑफ रिटेलर को हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है फ़्ली मार्केट फ्ली मार्केट हमारे कॉन्टेक्स्ट के अंदर ज़्यादातर आपको अगर मैं कॉन्सेप्ट के हवाले से बात करूँ तो ये स्ट्रीट मार्केट का कॉन्सेप्ट है ये सबको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा जब हम बात करेंगे किसी स्ट्रीट मार्केट के कॉन्सेप्ट की तो कैटेगोरिकली इसको इंटरनेशनली फ़्ली मार्केट के नाम से जाना जाता है नॉर्मली इस तरह की मार्केट्स इस तरह के रिटेलर्स एक पर्टिकुलर एरिए के ऊपर मौजूद मार्केट शॉप्स को रेंट आउट करते हैं और वहाँ से अपना बिजनेस जनरेट करते हैं अब फ्ली मार्केट्स के अंदर नॉर्मली दे आर फूड बेस्ड भी और नॉन फूड बेस्ड भी मेजॉरिटी ऑफ द फूड बेस्ड मार्केट्स जो इंटरनेशनली फ़्ली मार्केट्स हैं वो एग्जिस्ट करती हैं नॉन फूड बेस्ड लेकिन आपको बहुत ज़्यादा इस टाइम के ऊपर पोटेंशियल है और बहुत ज़्यादा नज़र आएंगी आपको फूड बेस्ड मार्केट्स भी नॉर्मली फ़्ली मार्किट जो हैं वो अनऑर्गनाइज्ड कैटेगरी के अंदर पाई जाती हैं ये बात समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि जब हम बात करते हैं ऑर्गेनाइज वर्सेज अनऑर्गनाइज की तो फ्ली मार्केट्स यस अनऑर्गेनाइज तरीके से ऑपरेट करती हैं विच मीन्स एवरी सिंगल पर्सन हु विल बी सेलिंग एज ए रिटेलर इन टू दैट मार्केट विल हैव अ डिफरेंट वे ऑफ वर्किंग इन दैट मार्केट उसका डिफरेंट प्रोडक्ट सेल कर रहा है उसकी डिफरेंट कैटेगरी सेल कर रहा है उसका डिफरेंट कस्टमर पोर्टफोलियो है और वो उस मार्केट के अंदर ऑपरेट कर रहा है नॉर्मली इस तरह की मार्केट्स के अंदर असॉटमेंट वाइज आपको बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स नज़र आएंगी चीप प्रोडक्ट्स नज़र आएंगी विच मीन्स कि यहाँ पर भी फ्ली मार्केट्स के अंदर द ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव इज कि आपको प्राइस पॉइंट एक इफेक्टिव कम्पेटिटिव नजर आए नॉर्मली फ्ली मार्केट्स के अंदर ब्रेंडेड प्रोडक्ट्स बहुत रेयरली पाई जाती हैं ज़्यादातर आपको अनब्रांडेड प्रोडक्ट्स या लूज पैकिंग प्रोडक्ट्स जो हैं वो नज़र आएंगी अगर मैं एग्जाम्पल के हवाले से बात करूँ तो हमारे पास काफ़ी कैटेगरीज के अंदर यू विल फाइंड जहाँ पे लोग बात कर रहे हैं कि इट के दी दीज आर दी मार्केट जहाँ पे आपको कोई कलेक्टेबल्स भी मिल जाएंगे दीज आर दी मार्केट जहाँ पे आपको यूज प्रोडक्ट्स भी मिल जाएंगी दीज आर दी मार्केट जहाँ पे आपको अनब्रांडेड प्रोडक्ट्स मिल जाएंगी सो अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल अच्छा अब इस तरह की मार्केट जो हैं ये बात समझना ज़रूरी है कि वो जिस तरह मैंने बताया कि वो फूड बेस्ड भी हो सकती हैं अगर हम फूड की बात करते हैं तो यस yes, हो सकता है वो फ्ली मार्केट फॉर द फ्रेश फ़ूड हो वो फ्ली मार्केट फॉर फिश हो फॉर एग्जांपल रंजीस इज़ ए ह्यूज मार्केट फ्रांस के अंदर जो कि ऑपरेट करती है अगेन अ फ्ली मार्केट है स्पेसिफिकली फ़िश के हवाले से फ़िश मार्केट के हवाले से और अगेन पाकिस्तान के अंदर भी ऐसी बहुत सारी एग्ज़ाम्पल्स हैं सो so, फ़िश भी हो सकती है मीट भी हो सकता है तो तमाम फूड कैटेगरीज़ की भी कवर हो सकती हैं और फ्ली मार्केट नॉन फूड के हवाले से भी हो सकती है फॉर एग्ज़ाम्पल एक शूज़ की मार्केट है इसी तरीके से क्लोदिंग की मार्केट है इसी तरीके से हो सकता है लगेज की मार्केट हो हो सकता है इक्विपमेंट की मार्केट हो जो कि चोकि से मेडिकल इक्विपमेंट के हवाले से बात करते हैं हो सकता है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट के हवाले से हो सो so, बहुत सारी प्रोडक्ट कैटेगरीज हैं जिस तरीके से अगर मैं लाहौर के कॉन्टेक्ट के अंदर एक एक्जाम्पल आपसे इन जनरल शेयर करूँ तो अगर आपने साइकिल बाइसिकल्स और इस तरह की चीज़ों को यू वॉन्ट टू बाई तो इज़ अ फ्ली मार्केट नीला गुम्बद के अंदर दैट यू कैन बाई लेट्स ए बाईसिकल्स फ्राम देयर अगर आप मोटर बाइक्स बाय करना चाह रहे हैं देर इज़ अनदर फ्ली मार्केट अगर आप अच्छा कपड़ा बाय करना चाह रहे हैं तो देर इज़ अनदर फ्ली मार्केट तो फ्ली मार्केट एक्चुअली स्ट्रीट बाजार्स हैं जो कि ऑपरेट करते हैं एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट कैटेगरी लाइन के ऊपर और तमाम शॉप्स इन जनरल एग्जिस्ट करती हैं उसी तरह की लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स में ताकि कस्टमर आए उसके पास एक वाइड रेंज मौजूद हो वाइड ऑप्शन मौजूद हो सेलेक्ट करने के लिए मैं आपसे कुछ एग्जांपल शेयर करने लगाऊँ सबसे पहली एग्जाम्पल हमारे पास इतवार बाजार की है संडे बाजार्स की है ये वो इतवार बाजार का कॉन्सेप्ट अब अगेन सब वाकिफ है जो कि कुछ सिटीज के अंदर संडे बाजार होगा कुछ सिटीज़ के अंदर फ्राइडे बाजार होगा कुछ सिटीज़ के अंदर बुध बाजार होगा वेडनेसडे बाजार होगा सो अगेन डिपेंड करता है उस पर्टिकुलर सिटी के उस पर्टिकुलर एरिए के नॉर्म के मुताबिक तो ये फ्ली मार्केट ये एक ऐसे आप बाज़ार है जो कि एक पर्टिकुलर डे के ऊपर ऑपरेट उपर कर रहा है और पर्टिकुलर प्रोडक्ट कैटेगरीज के ऊपर संडे बाज़ार्स के हवाले से अगर हम बात करें तो आपको यहाँ पे फूड प्रोडक्ट्स भी नज़र आएंगी फ्रेश प्रोडक्ट्स भी नज़र आएंगी नॉन फूड प्रोडक्ट्स भी नज़र आएंगी यानी कि यू विल ऑब्ज़र्व के वहाँ पर आपको क्लोदिंग भी मिलेगी वहाँ पर आपको शूज़ भी मिलेगा वहाँ पर आपको टॉयज भी मिलेंगे वहाँ पर आपको और तमाम स्मॉल अपलाइंस की चीज़ें भी मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर आपको मिल रही होती हैं वो किस ऑरिजन से हैं प्राइस लेवल इंपॉर्टेंट है वो ब्रांडेड है या अनब्रांडेड है ये बात मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है कि नॉर्मली इस तरह की मार्केट्स चूँकि अनस्ट्रक्चर्ड होती हैं सो so ज़्यादातर प्रोडक्ट जो सेल हो रही होती हैं वो अनब्रांडेड प्रोडक्ट्स होती हैं दूसरी एग्जाम्पल हमारे पास अनारकली बाज़ार की है अगेन वन ऑफ द फेमस बाज़ार्ज इन लाहौर और ये वो एग्ज़ाम्पल है जो कि बहुत अच्छी फिट बैठती है तमाम नॉन फूड प्रोडक्ट कैटेगरीज के हवाले से उस पर्टिकुलर बाजार के अंदर यू विल फाइंड ए सच अ फ्ली मार्केट कि जिसके अंदर यू विल फाइंड ऑलमोस्ट ऑल रेलिवेंट काइंड ऑफ नॉन फूड प्रोडक्ट्स एक्सेप्ट कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अप्लायसेस क्योंकि उसकी अलग से फ्ली मार्केट्स मौजूद हैं जिस तरीके से अब्दुल्ला हारून रोड के ऊपर कराची के अंदर देर इज ए फ्ली मार्केट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स मरी रोड के ऊपर इस्लामाबाद में देर इज ए फ्ली मार्केट फॉर अप्लायंसेज सो इसी तरीके से लाहौर में हाल रोड या आबिद मार्केट दे आर द फ्ली मार्केट्स फ़ॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अपलाइंसिस फ़ॉर मोबाइल्स और फॉर अदर कैटेगरीज तो हर पर्टिकुलर कैटेगरी के ऊपर इस तरह की मार्किट जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं थर्ड एग्ज़ाम्पल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम इट इज़ रिलेटेड टू लंडा बाज़ार जिस तरीके से इंटरनेशनली जो फ़्ली मार्केट का कॉन्सेप्ट है वहाँ पर बहुत सारी प्रोडक्ट कैटेगरीज ऐसी हैं जो कि यूज्ड प्रोडक्ट सेल होती हैं तो पाकिस्तान के कॉन्टेक्ट के अंदर लाहौर में स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ तो लंडा बाजार इज ए वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ इट वेर यू विल फाइंड हाई क्वालिटी प्रोडक्ट मोस्ट केसेस के अंदर ऑल्सो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स लेकिन दे आर द यूज प्रोडक्ट्स तो ये वो कैटेगरीज है जो कि अगेन फ्ली मार्केट का वन ऑफ द स्ट्रांग फीचर्स है कि फ्ली मार्केट्स में इस तरह की प्रोडक्ट भी अवेलेबल होती हैं इस तरह की प्रोडक्ट भी सेल हो रही होती हैं और कस्टमर उन तरह की प्रोडक्ट को बाई भी कर रहा होता है हमारे पास एक और अच्छी एग्जाम्पल है राजा बाजार के हवाले से अगेन पिंडी की एग्जाम्पल है और ये वो बाजार है ये वो फ्ली मार्केट है ये वो स्ट्रीट मार्केट है कि जहां पर यू विल फाइंड अगेन नॉन फूड प्रोडक्ट्स और सेलेक्टिव नॉन फूड प्रोडक्ट्स की मार्केट है जब मैं तमाम एग्जाम्पल्स की बात कर रहा हूँ तो आपको जहन में बिल्कुल बेसिक बात रखनी है फ्ली मार्केट्स कोई एक रिटेलर ऑपरेट नहीं कर रहा होता फ्ली मार्केट्स के अंदर देर कैन बी हंड्रेड्स एंड इन सम केसेस थाउजेंड्स ऑफ रिटेलर्स जो कि मौजूद होते हैं जो कि ऑपरेट कर रहे होते हैं और उस तरह के स्टोर्स को चला रहे होते हैं लास्ट एग्जांपल हमारे पास स्पेसिफ़िकली इवेंट बेस्ड एग्जांपल है रमज़ान बाज़ार अपकमिंग जिस तरीके से हम बात करते हैं जब भी रमज़ान का सीज़न आएगा दे विल भी रमज़ान बाज़ार ऑल्सो सो स्पेसिफिकली ये वो फ्ली मार्केट्स हैं ये वो बाज़ार्स हैं ये वो स्ट्रीट मार्केट्स हैं जो कि स्पेसिफ़िकली एक पर्टिकुलर मंथ के अंदर एक पर्टिकुलर इवेंट के हवाले से क्रिएट की जाती हैं और ऑब्जेक्टिव वही है कि आपने कस्टमर को एक अच्छा प्रोडक्ट प्रोवाइड करना है एक चीप प्रोडक्ट प्रोवाइड करना है उसको एक कंपेटिटिव प्राइसिंग के ऊपर देना है ताकि कस्टमर जो है वो इस सारे केस के अंदर बेनिफिशियरी हो सके। तो मैंने आपसे बहुत सारी एग्जाम्पल्स डिस्कस किए हैं हमारे पास स्टार्टिंग दी संडे बाज़ार और रमज़ान बाजार के से लेके विच इज़ प्राइमारिली फूड बेस्ड एग्जाम्पल्स से लेकर अगर हम नॉन फूड एग्जाम्पल बेस्ड एग्ज़ाम्पल्स की बात करें जो कि हमारे पास थी जिस तरीके से मैंने लंडा बाजार की एग्ज़ाम्पल की बात की है या मैंने अनारकली बाज़ार की एग्ज़ाम्पल की बात की या मैंने राजा बाजार एग्जाम्पल की बात की है तो ये वो एग्ज़ाम्पल्स हैं जो कि नॉर्मली आपको इस कॉन्सेप्ट को समझने में मदद करेगी तो जब भी आपने फ़्ली मार्केट के कॉन्सेप्ट को स्टडी करना है इसको डिटेल से समझने की कोशिश करनी है क्योंकि पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट के अंदर ये वर्ड बहुत कम इस्तेमाल होता है बहुत इन जनरल लोगों को फ्ली मार्केट का कॉन्सेप्ट का आइडिया नहीं है सो इट इज़ सिंपली अ बाजार विच इज़ सेलिंग ऑलमोस्ट अ काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स जो कि रेलिवेंट कैटेगरी से रिलेटेड हैं और एक अनऑर्गनाइज तरीके से वो सेल कर रहे होते हैं इन प्रोडक्ट्स को इन एग्जाम्पल्स को अपने सामने रखें फ़्ली मार्केट के कॉन्सेप्ट को इससे रिकनसाइल करें जहाँ पर आपको ये लगे कि ऑब्जेक्टिव मीट हो रहा है और वो ऑब्जेक्टिव क्या है कि प्रोडक्ट को सेल करना है टू द एंड कंज्यूमर तो जब प्रोडक्ट एंड कंज्यूमर के पास जा रही होंगी सो इट विल बी गुड इनफ़ कि आप ये कह सकें कि मुझे फ्ली मार्केट का कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे तरीके से समझ आ गया